बॉलीवुड के किंग और मशहूर अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान बुधवार को देश भर के 5,200 स्क्रीन पर रिलीज हुई है। कहीं इस फिल्म को सपोर्ट मिल रहा है तो कहीं इसका विरोध चल रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के चलते पहला शो रद्द कर दिया गया है। वहीं राजधानी भोपाल में भी पठान के खिलाफ सिनेमा हॉल के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी है। बिहार और यूपी में कई जगह पठान के पोस्टर फाड़े गए। इस विरोध के बावजूद फर्स्ट शो हुआ तो 300 स्क्रीन बढ़ाने पड़े, यानी अब देश में ये फिल्म 5,500 स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इंदौर में पठान के फर्स्ट शो से पहले पहले ही हिंदुवादी संगठनों ने सिनेमा घरों के बाहर प्रदर्शन किया। सिनेमा घरों में पहला शो रद्द कर दिया गया। कार्यकर्ता सिनेमा घरों के भीतर गए और स्टाफ को बाहर निकाल दिया। चेतावनी दी कि पठान मूवी ना चलाए। हालांकि कमिश्नर ने दावा किया कि कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। वहीं आगरा में बुधवार को पठान मूवी के रिलीज होने के बाद हिंदुवादी संगठनों ने विरोध किया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बागपत में भी हंगामा हुआ, पोस्टर जलाए गए। सिनेमा घर मालिकों ने सुरक्षा की मांग की है। इसके बाद हॉल के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यूपी के मेरठ और कानपुर में फिल्म के 80% से ज्यादा शो बुक हैं। वहीं मेरठ में फैंस ने केक काट कर फिल्म को सेलिब्रेट किया है। कर्नाटक में कई जगहों पर पठान की रिलीज का विरोध हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बिहार के भागलपुर में पठान फिल्म के पोस्टर्स चलाए गए। हिंदू संगठन रिलीज का विरोध कर रहे हैं। बुधवार सुबह कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, फिल्म चलेगा हॉल जलेगा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि फिल्म में सनातन के खिलाफ सीन है, सनातन धर्म को नीचा दिखाया गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने कहा कि फिल्म रिलीज होगी और सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 25 जनवरी को पठान मूवी का जमकर विरोध हुआ है। बजरंगियों ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को देश विरोधी बताते हुए इनके खिलाफ नारे लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने भिलाई 3 की मुक्ता टॉकीज में चल रही मूवी को बंद कराते हुए उसके बैनर को उतरवाया और पोस्टर भी जलाए। इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। बता दें कि पठान मूवी शुरू से ही विवादों में रही है। पूरी फिल्म में बवाल की वजह फिल्म के बेशरम रंग गाने से है। गाने से लेकर ही यह पूरा विवाद शुरू हुआ। इस गाने में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को भगवा रंग की बिकनी में दिखाया गया था, जिसके बाद पठान को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। लोगों ने पुरजोर विरोध जताया था। विहिप सहित कई संगठनों के नेताओं ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी उठाई थी। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।